तो यहीं से आगे का जो एक्सप्लोर है वो मैं शुरू करता हूँ। वेबसाइट पे तो सारा काम चल रहा है और ये जो सेवी का है, ONCG का है, ये वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर ही दिखेगी। तो ये BKC में हम इंटर हो चुके हैं और वॉक का हार्ट करके जो लाइव वाइंस है या बीन्स है, आप जो भी कह लें बीन्स है, ये इसकी कॉर्पोरेट ऑफिस सामने दिख रहा है। और जो ILES ये है, ये वहीं पर ही है। और ये देख लिया आपने, ये पूरा जो है ये रोड BKC कनेक्टर है। और भारत जो डायमंड बोर्ड से ये सीधा पड़ता है और ये अलग जाता है। तो दूर से हमें ये सब सारी चीज़ें दिख रही थी, लेकिन आज इसे पास से भी देख रहे हैं। और ये देखिए BKC का जो पूरा जो एरिया है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। घाटकोपर यहाँ से 7 किलोमीटर है, चेंबूर यहाँ से 6 किलोमीटर है और लोकमान्य तिलक टर्मिनल यहाँ से 5 किलोमीटर है। जो यहाँ से UP की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है वो लोग यहीं बांद्रा से जो सेंटर लाइन में रहते हैं यहीं से उतरते हैं और यहीं से ही वो जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसेस यार, बड़े बड़े चीज़ें, मेरा भी ड्रीम है एक बड़ा ऑफिस बनाऊं, लेकिन क्या कहूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ का बस स्टॉप है, ये डीओ सच्चे बैंक जो है, TB बैंक कहते हैं वो है, और ये ILES ये उसका है। और तो यहीं से ही जियो गार्डन और ये वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। और यहीं से ये पहले ही सब झोपड़पट्टी हुआ करती थी या चौल हुआ करती थी, लोगों को यहाँ से शिफ्ट कराया गया। और ये देखिए इसी तरह से घर बनाकर दिखा रहे हैं, देखो। और ये मोहतरमा पानी के अंदर डूबी हुई है और उसको दिखाया गया है। भाई करोड़ों की फ्लैट है, करोड़ों, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जियो गार्डन भी के राइट तरफ ही जाती है और ये भी किसी की तरफ जाती है, कुरला की तरफ जाती है। तो ये रहा ICICI बैंक और FIZR, और ये उसका वो रहा। और ये महानगर गैस का भी देखिए यहीं पर ही है, और MGL जो है ये है, और इंस्पायर को माउंटेन स्कूल भी यहीं पर ही है, बहुत ही महंगी स्कूल है। तो ये भी किसी का, अब ये मेट्रो बन जाएगा ना तो ये दिखने में और ही अच्छा लगेगा, जब आप ऊपर से जब इसको व्यू को देखोगे ना तो गजब लुक आएगा। तो ये पुलिस का जो परिमंडल है, DCP जोन है, ये वो है DCP का जो वो है, आपको वो भी बता दे रहा हूँ। और ये स्ट्रीट 8, 10 and 12 एवेन्यू 2 6, ये देखिए ये ICICI बैंक का कॉर्पोरेट बैंक है और ये कॉर्पोरेट ऑफिस है इसका, इसका आप हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं, यही है, ये ICICI बैंक का है। और शायद आपको दिख गया होगा सामने मेरे, और ये ठीक है। तो ये कंपनी ओनर का ऑपरेटेड बाय रिटेल आउटलेट, ये HP का, ये देखिए ये यहाँ का ही है, ठीक है। ये BKC का बैंक है और BKC का ही ये नाबार्ड है, नाबार्ड पता ही होगा, नाबार्ड शायद कृषि से रिलेटेड है और आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ILOVE HP बना दिया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी ये काम चल रहा है ना, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें ना आपकी ढक जा रही है और पता नहीं चल रही है, ठीक है। तो बस कुरला पहुँच जाएंगे ऐसे करते करते,
ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ डायरेक्शन चेंज करूँ और उस साइड मैं जाता हूँ, थोड़ा सा आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। ये देखिए, ये भी है, यहीं का हिस्सा है और स्ट्रीट नंबर 10 और 12 भारतीय स्टेट बैंक का जो डायमंड शाखा है, ये वही है स्टेट बैंक का। और पूरा दिख रहा है आपको, ये स्टेट बैंक का शाखा दिख रहा है और GSK जो बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस है वो लेफ्ट में है। और ये दिख रहा है, ऐसे ही यहाँ पर आपको बड़ी बिल्डिंग दिख जाएगी और ऊपर भी ऑफिसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए, ये रोड जो कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, ये उसका है और गेट नंबर 11। तो ये वो पूरा इलाका है, ये जो दिख रही है बैंड्रा BKC का है। और इसमें भी अलग अलग गली है, आप जिस गली में घुसेंगे ये वो है। तो मैं इस रोड पर चल रहा हूँ और मुझे जाना है गूगल ऑफिस, और मैं गूगल ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ और कुछ इशू है उसको सॉल्व करने के लिए। और ये देखिए, ये पूरा ऐसे ही इलाका है और पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा BKC का एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस व्लॉग में बस इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आगे का एरिया एक्सप्लोर करूँगा। शुक्रिया।